नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। चैवासा वन प्रमंडल की ओर से टांगराई गांव के पास कुजू नदी तट पर नदी महोत्सव और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा, चैवासा के विधायक दीपक बिरवा, वन संरक्षक विश्वनाथ शाह, पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा, उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन सहित अन्य पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चों ने कुजू नदी तट पर पौधारोपण किया। पौधारोपण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि झारखंड में बहुत जंगल हैं। यहाँ के लोग जल जंगल और जमीन के लिए हमेशा से लड़ते रहे हैं। जिस रफ्तार में जंगल काटा जा रहा है, उस रफ्तार में पौधे लगाए नहीं जा रहे हैं और उसका खामियाजा पूरी धरती को उठाना पड़ रहा है। सांसद ने कहा कि यदि हम वनों को रोजगार से जोड़ दें तो आसानी से इनका संरक्षण हो पाएगा। जंगल में तमाम तरह की जड़ी बूटियां हैं जिनसे रोजगार पैदा किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत होगी। मानकी मुंडा और आम जनता को जोड़ना होगा। गीता कोड़ा ने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में जितनी संख्या में हमारी नई पीढ़ी शामिल हुई है, उससे एक बात का संतोष है कि वह पर्यावरण संरक्षण और जंगल को बचाने के प्रति जागरूक हैं। वनों का संरक्षण अकेले वन विभाग से संभव नहीं है, इसके लिए आम जनता का जुड़ाव जरूरी है। रहना, पेड़ पौधों का जिंदा रहना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो पूजा करते हैं वो प्रकृति की ही पूजा करते हैं। अगर हमारे जंगल ही नहीं रहेंगे, हमारा पेड़ ही नहीं रहेगा, तो हमारे पौधों का होगा। एक सुझाव ये हो, छोटा सा सुझाव ये होगा कि क्यों नहीं वनों के साथ हम लोग रोजगार को जोड़ें। रोजगार को जिस दिन हम जोड़ देंगे तो उस दिन लोग कहीं ना कहीं वनों को बचाने के प्रयास करें, क्योंकि उनसे उनका पेट जुड़ा हुआ है। और जहाँ पेट आपका जुड़ जाता है जिस जगह से, तो स्वाभाविक है कि वहाँ हम लोगों का लगाव ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए वनों से ज्यादा हम लोगों को रोजगार दें, जड़ी बूटी, क्योंकि हमारे सरंडा क्षेत्र में या फिर हमारे पोहाट क्षेत्र में बहुतायत में जड़ी बूटी वहाँ मिलते हैं जो कहीं और आपको नहीं मिलेंगे। तो उन सभी की हम लोग उन सभी से रोजगार से ग्रामीणों को जोड़ सकते हैं। चैवासा के विधायक दीपक बिरवा ने कहा कि यह कार्यक्रम पूरी दुनिया को बचाने का एक प्रयास है। हम सबको मिलकर काम करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग चिंता का विषय है। हमारे पास बहुत कम समय है और जो प्रयास हो रहा है वह काफी नहीं है। आज पानी बोतलों में बंद करके बेचा जा रहा है। यही स्थिति रही तो आने वाले समय में पानी के लिए विश्व युद्ध होगा। पौधारोपण के जरिए पर्यावरण संरक्षण का जो प्रयास शुरू हुआ है, उसे आंदोलन का रूप देना होगा, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। सरकार का ये जो प्रयास है वो सराहनीय है। हम लोगों को इसके साथ मिलकर पर्यावरण को बचाने का एक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में कुछ भी कहें बहुत कम होगा। मैं भी इसके बारे में एक बार ग्लोबल वार्मिंग को लेकर पूरे विश्व के अग्रणी देशों का एक सम्मेलन हो रहा था, जिसमें ये बात आया था कि दुनिया के सामने, खास करके इंसानों के सामने मात्र 10 साल बचा हुआ है। यदि वो चाहेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग से इस दुनिया को बचाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा प्रयास नहीं हो पा। इसीलिए इसको हम लोग, इस क्षेत्र के लोग पहले से ही जल जंगल जमीन का नारा ही देते हैं। जल जंगल जमीन हमारी है, इसको बचाना हमारा कर्तव्य। देखिए, जल को आज आप जान रहे हैं कि बोतल में पानी निकल रहा है, आने वाला दिन जमीन के अंदर का जो पानी है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसके लिए विश्व युद्ध होगा और बिना पैसा का लोगों को पानी पीने को नहीं मिलेगा। राज ब्रिज का तो आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से माइनिंग के नाम से, फैक्ट्री प्लांट के नाम से, दूसरे चीजों के नाम से राज ब्रिज और पहाड़ जो है खत्म होते जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए और एक अभियान लगा करके पूरे सभी लोगों को राज ब्रिज लगाना चाहिए। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत मेहता ने कहा कि लोगों के कारण पर्यावरण और धरती की आज ऐसी स्थिति है। हमने एक तरफ कंक्रीट का जंगल खड़ा कर दिया है और
खुद को समृद्ध समझ रहे हैं। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसका असर पूरी धरती पर पड़ रहा है। असंतुलित तापमान और वर्षा कई देशों को बर्बाद कर देगी। हमें सिर्फ अपने भोग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। प्रकृति पर सबका सम्मान का अधिकार है और इसे हम खूबसूरत बनाने के लिए हर तरह का प्रयास करना चाहिए। महासागर में एक देश था किरीबाती, अभी भी वो देश है किरीबाती। किरीबाती के लोगों के सामने ये खतरा उत्पन्न हो गया है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण वहाँ के उस देश के सारे लोग विस्थापित हो जाएंगे। वहाँ के बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब विस्थापित हो जाएंगे। फिर वो कहाँ जाएंगे? अगर पूरा का पूरा एक समुद्र के बीच का छोटा देश ही विस्थापित हो जाए तो जाएगा कहाँ? तो इस कारण से इस पृथ्वी पर बहुत ऐसे छोटे छोटे देश हैं जो चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं। अगर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान भी बढ़ता है और 2 सेंटीमीटर पानी का जल स्तर भी बढ़ता है तो वो सारे देश डूब जाएंगे। तो हमें, जब हम मानते हैं भारतीय संस्कृति में कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी धरती हमारा परिवार है, तो निश्चित रूप से हमें केवल अपने लोभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, केवल अपने संसाधनों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमारा संविधान भी कहता है कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होना चाहिए कि उसका लाभ पूरे समाज को हो, एक व्यक्ति को नहीं। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस ने 16 माह पहले हुई एक ऐसे मामले का खुलासा किया है जिसमें मृतक का शव बरामद नहीं हुआ है, लेकिन मृतक के शव की हड्डियां बरामद किया गया है। इस हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार किया है, जिसके निशानदेही पर ही पुलिस ने एक पुराने कुएं से 16 माह बाद शव का हड्डी बरामद किया है। दरअसल 16 माह पूर्व जिले के आनंदपुर थाना के रुंधी कोचा गांव में एक मामूली विवाद में बानू मिंज ने अपनी पत्नी शांति मिंज के साथ मिलकर एक युवक रमेश तिर्की की हत्या कर काफी पुराने कुएं में शव फेंक दिया। इसके बाद दंपति गुजरात चल गया। घटना के 16 माह बाद अचानक कुछ दिन पहले मृतक की बहन सीमा तिर्की आनंदपुर थाना पहुंचकर भाई के 16 माह से लापता होने की जानकारी दी। एसपी इंद्रजीत मेहता के निर्देश पर जांच शुरू की तो मृतक को अंतिम बार बानू मिंज के हड़िया दुकान में होने की जानकारी मिली। पुलिस ने किसी तरह दंपति को गुजरात से बुलाया और पूछताछ की तो दंपति ने न सिर्फ अपराध स्वीकार कर लिया बल्कि कुएं में शव फेंकने की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार कर लिया और मृतक रमेश मिंज के हड्डी को फोरेंसिक जांच के लिए रांची भेज दिया। एसपी ने बताया कि इस तरह का जिले में यह पहली घटना है जिसमें पुलिस ने 16 माह पूर्व हुई हत्या का खुलासा किया है, जिसमें न तो कोई सबूत था और न ही कोई गवाह। इसके बावजूद पुलिस ने कुछ ही दिन में खुलासा कर दिया। 11 जुलाई को वादिनी सीमा तिर्की, जो कि आनंदपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली है, वो आई और अपने भाई के गुमशुदगी के बारे में बताई कि उसका भाई 16 महीने से गुमशुदा है। तो पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और डीएसपी विमलेश और वहाँ के थाना प्रभारी खुर्शीद आलम के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। और जो है इसमें यही आया था कि बानू मिंज और शांति मिंज दोनों का जो इसमें हाथ रहा, इसके घर में आए थे और उन दोनों ने इसका हत्या करके रूंगी कोचा के कुआनुआ खदान में इसको डाल दिया था। ये लोग सूरत भाग गए थे। सूरत से इन लोग को बुला के जो है कड़ी जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया हड्डियां जो है उस कुएं से बरामद हुई है और उनको जो है डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए, टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और उनका पोस्टमार्टम जो है उच्चतर अस्पताल में किया जाएगा। तो कुल मिला के मामला का खुलासा हो गया है। ये 16 महीना पहले हुई गुमशुदगी वाकई में हत्या का मामला है और इस हत्या के कांड में दोनों को, बानू मिंज और शांति मिंज दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। पश्चिमी सिंहभूम में 2 अलग अलग सड़क हादसों में बीती रात 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 घायल है। पहली घटना सिंह पोखरिया के पास घटी, जहां मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को कुचलकर एक ट्रक फरार हो गई। दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दोनों की पहचान जगन्नाथपुर शिव मंदिर के पास रहने वाले के रूप में की गई। मृतक प्रिय रंजन सिंह उर्फ गुड्डू टाटा कॉलेज का छात्र है, जबकि दूसरा मृतक राहुल पटेल नन बैंकिंग कंपनी का एजेंट है। दोनों चैवासा से अपने घर जगन्नाथपुर लौट रहे थे, इसी दौरान दोनों ट्रेन की चपेट में आ गए।
दूसरी घटना चैवासा टाटा सड़क मार्ग के बाईपास रोड में हुआ, जहां सुधीर गैरेज के पास एक स्कूटी सीधे खड़ी ट्रक से जा टकराई। इस दुर्घटना में स्कूटी सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल है और उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। दोनों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आज चैवासा व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें कुल 325 मामलों का निपटारा करते हुए 78,85,906 रुपए का सुलह समझौता किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर 6 बेंच का गठन किया गया था। बिजली से संबंधित कुल 10 मामलों का निपटारा कर 80,000 का अर्थदंड वसूल किया गया। 27 सुलहनीय आपराधिक मामलों का निपटारा करते हुए 1,02,100 रुपए वसूल किया गया। बैंक ऋण से संबंधित कुल 183 मामलों का निपटारा कर 64,81,256 रुपए का सुलह समझौता वसूल किया गया। श्रम विभाग से संबंधित 98 मामलों का निपटारा कर 55,350 रुपए का समझौता किया गया। प्रधान न्यायाधीश की अदालत द्वारा मोटर दुर्घटना वाद से संबंधित 3 मामलों का निपटारा कर 11,54,000 रुपए का सुलह समझौता किया गया। रेलवे न्यायालय से संबंधित 4 मामलों का निपटारा किया गया। बीएसएनएल से संबंधित 4 मामलों का निपटारा कर 13,200 रुपए वसूल किया गया। मारवाड़ी युवा मंच और चैवासा जागृति शाखा की ओर से पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत बालकुंज में पौधारोपण किया गया। विद्यालय परिसर में विभिन्न प्रकार के फलदार और फूलों के पौधे लगाए गए। मंच के सदस्यों द्वारा बच्चों के बीच बिस्किट, नमकीन और खेल सामग्री का वितरण किया गया। इस मौके पर मंच के अध्यक्ष विनय दोदराज का, ओम केड़िया, प्रशांत मोहता, हर सुल्तानिया, संयोजक गोविंद मोहता, जागृति शाखा के अध्यक्ष सुनीता अग्रवाल, सचिव कृष्णा अग्रवाल, सरला दोदराज का, शीतल दोदराज का, बालकुंज के अध्यक्ष रोपना मुंडा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जिले के मानकी मुंडा के लिए टाटा कॉलेज के सभागार में आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उपायुक्त अरवा राजकमल, पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महथा, उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन, अपर उपायुक्त इंदु गुप्ता के अलावे मानकी मुंडा संघ के पदाधिकारी शामिल हुए। मानकी मुंडा को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि मानकी मुंडा प्रथा अति प्राचीन है। आपके सहयोग के बिना सरकार द्वारा संचालित कोई भी योजना धरातल पर नहीं लाई जा सकती है। मानकी मुंडा के सहयोग से ही प्रशासन की पूंछ समाज के अंतिम व्यक्ति तक संभव है। इसका ताजा उदाहरण मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना है। उपायुक्त ने कहा कि मानकी मुंडा के सहयोग के कारण ही जिले में 75,000 से ऊपर रैयतों का आवेदन प्राप्त हुआ है। अभी जो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा जितना भी योजना, जैसे मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत ग्रामीणों का एक ही आपत्ति है कि उसमें सहमति पत्र मांगा जा रहा, जो है कि उसमें जमीन से संबंधित सारा विवरण अंकित है, इसलिए उस सहमति पत्र को हटाने का मांग ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा। और दूसरा है जैसे मालगुजर रसीद काफ़ी सालों से ऑफलाइन या मैनुअल के माध्यम से ही काटा जा रहा है, वर्तमान 2015 से रसीद ऑनलाइन सरकार के द्वारा कराया गया, उसमें मानकी मुंडा द्वारा आपत्ति लगातार जताई गई। हाल 17 जून को हमारे संघ की तरफ से एक टीम गई हुई थी, उसमें झारखंड सरकार के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि ये ऑफलाइन ही या मैनुअल ही काटा जाएगा, इसका आश्वासन दिया गया। इससे हम लोग को सरकार को बधाई देना चाहेंगे कि मानकी मुंडा को पुनः मैनुअल काटने का अधिकार मिल रहा है। देखिए, आज जो ये मानकी मुंडा के साथ जो जिला प्रशासन का एक बैठक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, इसमें विशेष करके जैसा हमारा विकास से संबंधित है आज की जो बैठक है, तो विकास के कार्य में जो हमारा ग्राम सभा करके जो कोई भी योजना का चयन किया जाता है और उस योजना को धरातल में मैंने अच्छी ढंग से उचित ढंग से उसको मैंने
काम कराने का हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन बात यहाँ ऐसा होता है कि हमारा ग्राम सभा को ही कभी कभी मान्यता ही नहीं दिया जाता है। ऐसे ही एक उदाहरण हमारे जगन्नाथपुर अंचल के लखीपाई गांव में हुआ था, जहाँ के मुंडा है जमादार लागुरी जी, वो आंगनबाड़ी केंद्र बनवाने के लिए सबसे पहले ग्राम सभा से स्थल का चयन किए थे, लेकिन इसके बावजूद जो वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी जो ग्राम सभा को नकारते हुए वो अपने मनमाने ढंग से दूसरे जगह में आंगनबाड़ी से केंद्र भवन का निर्माण कराने का प्रयास किया। तो ये सब बातों को हम लोग आज यहाँ पर सब मिलकर के कहने वाले हैं, कह रहे हैं, जो कि मैंने ग्राम सभा का जो एक हनन हो रहा है उससे हम लोग थोड़ा सा आहत हैं। देखिए उतना तो हम लोग संतुष्ट नहीं है पूरी तरह से, तो लेकिन जितना काम हो रहा है उतना लगभग मैंने ठीक है सब काम हो रहा है। लेकिन हमारा जो व्यवस्था है इसको मैंने नजरअंदाज करके जो हमको दरकिनार करके जो चल रहे हैं इससे हम लोग सबसे ज्यादा असंतुष्ट हैं। जानकारी के अभाव में हुआ है, प्रचार प्रसार नहीं होने के कारण एक तरह से लोग गुमराह हुए। सही प्रचार प्रसार प्रशासन की ओर होना चाहिए था, जो प्रचार प्रसार के अभाव में लोग भ्रमित हो गए, ये विश्वास करने लगे कि हो सकता है कि अगर हम इस तरह का राशि ले तो हो सकता है जमीन हमारा हड़प लिया जाएगा। ये जानकारी के अभाव में हुआ है। जब जानकारी दी गई तब तो बहुत बाद में दिया गया है। जब हम लोग को चिट्ठी दी गई है यहाँ से पंच कार्यालय से 10 मई को ही निर्गत हुआ, लेकिन 17 तारीख हम लोग को अंचल कार्यालय में दिया गया। तो जो कार्यक्रम करीब करीब खत्म हो चुका था, और जो आपत्ति कॉलम जो है वो सही रख से बताया नहीं गया कि आपत्ति क्या दर्ज करना है, क्योंकि हाल में बताया गया आपत्ति ये दर्ज करना है, जो भी कंप्यूटर जो या निर्गत हुआ है वो बिल्कुल गलत था, बहुत त्रुटिपूर्ण है, नाम गलत है, एरिया गलत है, प्लॉट नंबर गलत है, ये गलत दर्द होने के कारण ही लोग उससे दूर भाग रहे थे। अब जब बाद में बताया गया कि ये त्रुटिपूर्ण इस तरह का आपका पति दर्ज करना था कि चूंकि ये खतियान प्लॉट नंबर गलत है, इसको सही साबित करने के लिए हमको मूल खतियान दिखाना था, और बहुत लोग के पास मूल खतियान नहीं था, तो क्या दावा करेगा ये जो कंप्यूटर युक्त खतियान गलत है ये कि सही है जी। बहुत जगह में बहुत लोग के पास गरीब लोगों के पास खतियान नहीं है, रिकॉर्ड रूम में भी उपलब्ध नहीं है, तो आखिर लाएगा कहाँ से। और जो भी हमारा कोर्ट में जो खतियान सेटलमेंट में हुआ है उसका जो चौवधि दिखाया गया है सिर्फ उत्तर दक्षिण, अब जिनका पूरा पश्चिम में है तो कहीं दर्शा नहीं पाएगा, और अमीन का कमी पड़ी है कि एरिया का सीमांकन कौन बताएगा। यही जानकारी के अभाव में ये संदेश दिया कि जमीन हड़पा जा सकता है, या उन लोग को जानकारी प्रशासन की ओर से नहीं दिया गया। उपेक्षित महसूस कर रहे थे कि सरकारी योजनाओं में क्रियान्वयन का अधिकार या दायित्व या जिम्मेवारी मुंडा मांग के लोगों को नहीं मिलती है। कभी कभी मुंडा और मानकी दूर दराज इलाकों में जो अपना गांव का विधि व्यवस्था संभालते हैं उन्हें इस बात का मायूस होना पड़ जाता है कि बड़े बड़े स्कीम के लिए मुझे ही अध्यक्षता करने का अवसर दी जाती है जिला प्रशासन के द्वारा, और नियमानुसार अध्यक्षता करना है, लेकिन सबसे दुखदायी बात यह बात होता है कि भी किसी भी मानकी मुंडा को वित्तीय अधिकार बिल्कुल नहीं है। ये बात आप भी महसूस कर रहे हैं, हम भी महसूस कर रहे हैं, वित्तीय अधिकार नाम का कोई चीज हमारे पास नहीं है। हमें मिलती है तो इस तरह की जो बात है विधि व्यवस्था के मामले में कई लोगों से हमें जो दुश्मनी होना पड़ता है, उठाना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, तो क्यों ना हमारे सम्मान राशि में से ही हमारा भी ग्रुप बीमा हो, ताकि अकस्मात किसी तरह का घटना होने के उपरांत मेरे परिवार को तो कम से कम कुछ आसरा मिले। ये हम आपसे अनुरोध कर सकते हैं, हम आप पर दबाव नहीं देना चाहते। दूसरी बात है, जब से ऑनलाइन से ऑफलाइन की बात आई उसमें जो दर्शाया गया है, और उसके पहले जो वक्ता के रूप में बात आई थी कि किसी भी तरह की बात हो
या जिस गांव में मुंडा और मानकी की बहाल नहीं हो उनका संपादन या निष्पादन तो गांव के द्वारा और प्रधान अधीक्षक के द्वारा ही संभव होना चाहिए। उस पे किसी तरह का अलग से मैंने नियम कानून नहीं बननी चाहिए। और एक बात इस पे आया कि मुखिया का अनुशंसा, इस पे लोगों को तकलीफ है क्योंकि मुखिया जो है सिर्फ 5 साल के लिए चुनकर आते हैं, इसलिए मुखिया का अनुशंसा को उस पे इन्वॉल्व नहीं किया। उपायुक्त ने मानकी मुंडा को आश्वस्त किया कि यदि उनके क्षेत्र से संबंधित कोई समस्या सामने आती है तो जिला प्रशासन हर संभव मदद के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सबके सहयोग से उसे हासिल किया जा सकता है। सरकार के दो हाथ हैं, एक मानकी मुंडा और दूसरा प्रशासन। कार्यशाला के दौरान उपायुक्त द्वारा मानकी मुंडा को परंपरागत तरीके से काटे जाने वाली राजस्व रसीद पंजी सांकेतिक रूप से प्रदान की गई। अब पहले की भांति मानकी मुंडा लगान रसीद काट सकते हैं। यदि कोई समस्या आएगी तो अंचल स्तर से उसका समाधान किया जाएगा। जितने जगह हम लोग मुंडा है वहाँ समस्या नहीं, जहाँ नहीं है वहाँ क्या मुठा कटेगा, मुठा काटेगा लगान रसीद? बिल्कुल नहीं। उसी में आदेश देने वाला हूँ कि प्रधान अधीक्षक के द्वारा ही वहाँ लगान रसीद लगने का कार्य होगा। इसी तरह आज आप ही लोगों के सामने एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि पूर्व में हम लोग 4-5 महीने पहले बैठे थे, कुछ लोग उसमें आए हैं, रोहतक पुल में हुआ, उसमें आप लोग बहुत सारी बात आई, बताया गया है कि लगान रसीद काटने का व्यवस्था है होना चाहिए, ऑनलाइन सिस्टम अच्छा नहीं, इसके बारे में हम सरकार को भी अवगत कराए, लेकिन काम हुआ आप ही के साथ, आपके अध्यक्ष, आपके पूर्वाध्यक्ष, आपके प्रयास से ही माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को माने और आप ही को ये गौरव पुनः वापस दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस व्यवस्था सिर्फ पुनः के लिए आपके चलते पूरे राज्य में व्यवस्था आ गई वापस, यानी यहां के माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास के कारण अब संस्थान में भी जो ग्राम प्रधान हम चाहते थे संस्थान देवगढ़ गंगा देवगढ़ दुर्गा में भी अभी ग्राम प्रधान ही वहां प्रसिद्ध होना चाह रहे हैं। इसमें आप भी जानते हैं जो कारण भी था, एक कारण था कि जो पहले आप प्रसिद्ध करते चाहते थे वो न्यायालय में एक सबूत के रूप में यूज होता था, और जो ऑनलाइन होने से कोई भी किसी का भी जमा कर देगा तो वो कोई प्रसिद्ध कोई डॉक्यूमेंट के रूप में कोई वैलिडिटी नहीं था, इससे रही को समस्या होगी। और दूसरा मैं लगान वसूली का लेकर आता हूँ, पिछले 3 साल जितना पिछले साल गिरा है उतना गिरा हुआ कभी नहीं, क्योंकि लगान जमा ही नहीं कर सकते। तो दोनों कारण, तो जीत आपका भी है, जीत किसानों का भी है, क्योंकि उनको भी तो फायदा होगा इससे, तो इसीलिए आपके लिए माध्यम से आज लगान इश्यू करना के कारण हम लोग दूर करेंगे। और सीओ लोगों को मेरा निर्देश बहुत सारा, कहीं ऐसा गलती करता है तो हम शिकायत की, सभी को सीधा मैं निर्देश किया हूं कोई ऑनलाइन सिस्टम अभी चला नहीं, लगान रसीद पूर्व की बांधी मुदाजी नहीं देंगे और जो राशि जमा करें तो अपने पास रखेंगे, इसके बाद ऑनलाइन में कैसे डिपॉजिट करें नहीं करें उसमें आप सहयोग देंगे उसको डिपॉजिट करवाए। मैं इस मौके का उपयोग इस रूप में करना चाहूंगा कि अभी जो गांव के जो प्रधान का जो समाज है उसमें मानकी मुंडा की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए कोई भी समाज में गलत व्यक्ति 100 व्यक्ति होता है तो एक व्यक्ति ही गलत होता है, 99 लगभग अच्छे लोग होते हैं। तो मेरा मानना है कि उन 99 लोगों के साथ दोस्ताना व्यवहार हो, एक अच्छा विनम्र व्यवहार हो, उनके साथ एक अच्छा संबंध हो, ताकि वो जो एक व्यक्ति गलत कर रहा है उसको भी हम लोग जो है सही रास्ते पे ला सके। हम लोग की जो पुलिसिंग की सोच है इसी आधार पर कि एक आदमी को पकड़ने के लिए गांव के 99 लोगों को जाके गलत व्यवहार करने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैंने अपने सभी पुलिस पदाधिकारियों की बैठक की, मैंने यही बात उनको कहा है और इसी पॉलिसी पर पुलिसिंग चलेगी कि हमें समाज के जो अच्छे 99% लोग हैं उनका सहयोग लेना है।
लेकिन हमने ये चीज निश्चित किया है अपने सभी पदाधिकारियों को कि पुलिस का काम सबसे पहले कोई भी गांव में जाएगा तो सम्मान की रक्षा, उसके बाद जीवन और संपत्ति जो है वो तो होगा ही, वो तो पहले भी करते थे आगे भी करेंगे, लेकिन सम्मान की रक्षा निश्चित रूप से होगा। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।